सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हमारी हिंदी की कक्षा है, जिसके लिए हमें चाहिए हमारी हिंदी की टिमटिम बुक, हिंदी की 5 लाइन वाली नोटबुक, पेंसिल और इरेजर। तो पहले आप ये सारी चीजें अपने साथ ले लीजिए ताकि हम क्लास को प्रारंभ कर सकें। बच्चों, अभी तक की कक्षाओं में हमने सारे स्वरों को सीखा था, जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋषि, ए ऐ, ओ औ, अन एवं अहा। आज से हम व्यंजन सीखने वाले हैं, आज की कक्षा से हम व्यंजन को प्रारंभ करने वाले हैं। तो ये पहला व्यंजन है का, और आज हम कितने व्यंजन करने वाले हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। ये पांच व्यंजन हम आज करने वाले हैं। कौन कौन से, क, ख, ग, घ, अंगा। तो चलिए का से स्टार्ट करते हैं और फिर एक एक करके सारे व्यंजन को पढ़ते हैं और सीखते हैं। जैसा मैंने अभी अभी बताया, ये कौन सा व्यंजन है, क, कौन सा व्यंजन है, क, और क से कबूतर, क से कबूतर। और क्या है यहाँ पे, क से कप, क से कलश, क से कबूतर, क से कप, क से कलश। और आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं ना इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हम इसे कलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलम। और कलम भी का से प्रारंभ होता है, तो जैसे का से कबूतर है ना, जैसे का से कबूतर है वैसी का से कलम, और का से कमल भी होता है, कमल का फूल। तो हमने कितने चित्र सीख लिए जो का से प्रारंभ होते हैं, का से कबूतर। किनका किनका नाम हमने सीखा है, का से कबूतर, का से कलम, का से कप, का से कलश, और का से कमल। बच्चों देखो, यहाँ पे जो का है ये खाली है, इसमें हमें क्या करना है, रंग भरना है। तो जिस कलर का यहाँ पे एरो बना है आपको उसी कलर का रंग भरना है। जैसे ये पहला वाला स्काई ब्लू बना है ना, तो इस पूरी जगह पे आपको स्काई ब्लू करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरे में स्काई ब्लू करना है। उसके बाद ये जो सीधी लाइन आ रही है ना, ये यहाँ पे आपको करना है पर्पल कलर, ये पर्पल बना हुआ है। उसके बाद ये जो आधा गोला है ना, हाफ सर्कल, इसमें आपको करना है ब्राउन कलर, ठीक है। और ये जो आधा कर्व है इसमें आपको करना है ऑरेंज कलर। तो जैसे कलर इंडिकेटेड है ऐसे ही आपको करना है। तो इसमें आप कलर कर लीजिएगा, ठीक है। और का एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, का से कबूतर, का से कप, का से कलश। अब पहले हम एक और व्यंजन कर लेते हैं, फिर दोनों व्यंजन को एक साथ लिखेंगे। ये है हमारा अगला व्यंजन ख। कौन सा व्यंजन है ये, ख, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खरबूज, ख से खरगोश, ख से खटमल। किसे डर लगता है खटमल से, मैम को तो बहुत डर लगता है। ख से खरबूजा, खाते हो आप खरबूजा, ख से खटिया भी होती है, ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खरबूजा। जैसे मैंने का में आपको रंग भरने का बताया है ना, वैसे आपको खा में भी रंग भरना है। जैसा एरो बना है उसी तरह से आपको रंग भरना है, ठीक है। यहाँ पे आप भरेंगे स्काई ब्लू, ये खड़ी वाली लाइन में आप भरेंगे ऑरेंज, ये अंदर वाले सर्कल में आप भरेंगे पर्पल, और इस बाहर वाली जगह पे आप भरेंगे ब्राउन, ठीक है। आपके पास क्रेयॉन्स है ना, तो इसमें जिस कलर से आप दिया हुआ है उसी तरह से आप भर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें हम लिख कैसे सकते हैं, किस तरह से हम अक्षर क और ख को लिख सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पे डॉट बने हुए हैं, ट्रेस करेंगे हम तो आसानी से इसको बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डेट डाल लेते हैं ऊपर,
क्या डेट है आज की? डेट है 21। 21 मीन्स 21 9 2020। और ये मैम होमवर्क दे रही है ना आपको, तो ऊपर आप डालेंगे एच डब्लू। ओके, देखिए का तो ऐसा बनता है, तो फिर ये सारा कुछ क्या है? ये सारे स्टेप्स हैं कि हम किस तरह से अक्षर का को लिख सकते हैं। जैसे अक्षर का लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आधा गोला बनाना है। तो ये हो गया आधा गोला। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक खड़ी डंडी बनाना, तो ये हमने ट्रेस कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अब हमें वही करना है, पहले हमें क्या करना है, आधा गोला, खड़ी डंडी और फिर ये आधा कर्व। फिर यहाँ पे भी आधा गोला, खड़ी डंडी, कर्व, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट का बनाएंगे हम, जिसके लिए सबसे पहले हमें बनाना है आधा गोला, खड़ी डंडी, फिर ये कर्व और लास्ट में ये स्लीपिंग लाइन यानी कि पड़ी रेखा, ठीक है। तो पहली वाली लाइन मैम ने बता दी, दूसरी लाइन में तो आप ट्रेस कर लोगे ना खुद से। चलिए इस लाइन में आप खुद से ट्रेस करेंगे और इसमें मैं बता देती हूँ कैसे करना है। ऊपर और नीचे आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको बीच में लिखना है। तो सबसे पहले ये कैसे बना हुआ है, हाफ सर्कल मीन्स आधा गोला ना, तो आप भी ऐसी कर देंगे। फिर क्या बनी हुई है, एक बनी हुई है आपकी सीधी रेखा, ये आप बना देंगे। यहाँ पे आप पहले बनाएंगे आधा गोला, फिर बनाएंगे आप ये सीधी लाइन और ये आधा कर्व। फिर यहाँ पे आप बनाएंगे पहले गोला, फिर लाइन, फिर ये पूरा कर्व, लास्ट में आपको कंप्लीट का बनाना है, जिसके लिए आप बना सकते हैं आधा गोला, फिर उसके बाद कर और ये बन गया का। ठीक, इसी तरह से हमें खा भी लिखना है। खा लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे बनाएंगे आधा कर्व टाइप में, ठीक है। इसको बनाने के बाद जैसे हमने आधा कर्व तो ये बना लिया था ऐसे, अब इसी कर्व को हम ऐसे घुमा के ऐसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया, कर्व बनाया, फिर इसको ऐसे घुमा दिया। अब इसको हम ले जाएंगे पीछे की साइड ऐसे, इतना किया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से ऐसे ही बनाएंगे और ये लास्ट में फिर से हमने इसको ऐसे बनाया, ये बनाया और लाइन खींची। और सबसे आखिरी में हमें फिर से वही करना है और ये हो गया हमारा खा। तो अब आप इसमें ट्रेस करके इसमें लिख लोगे ना, ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद से करेंगे। अब आप अपनी अपनी कॉपी खोलिए ताकि मैं उसमें भी बताऊंगी आपको का और खा कैसे लिखना है। चलिए कॉपी में डेट लिखिए, 21/9/2020 और लिखिए सेंटर पे एच डब्लू। हो गया, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे मैम ने आपको बताया था पहले कि 5 लाइन कॉपी में आपको सिर्फ बीच की 3 लाइंस में लिखना होता है। कितनी लाइंस में, बीच की 3 लाइंस में, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जैसा हमने बुक में सीखा है, पहले हमें क्या बनाना है, हाफ सर्कल, फिर हमें बनानी है एक स्टैंडिंग लाइन, फिर हमें बनाना है ये कर्व और फिर हमें इसको स्लीपिंग लाइन बना देना है, ठीक है। अगला बना के देखते हैं, पहले बना लेते हैं हम, क्या बनाना है हमें सबसे पहले, हाफ सर्कल ऐसे, सॉरी पूरा बन गया। अब इसके बाद हमें करना है क्या, स्टैंडिंग लाइन। अब यहीं से हमें बनाना है क्या, इसके लिए कर्व और फिर ये स्लीपिंग लाइन। ये है व्यंजन का।
इस का को आपको एक दो तीन लाइन में लिखना है, ठीक है। अब आपको मैम अगली लाइन में बता रही है व्यंजन खा लिखना। चलिए व्यंजन खा लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे उल्टा सर्कल जैसे बनाना है, फिर इसको आपको ऐसे घुमा देना है और फिर इसको घुमा के आपको पीछे की तरफ ले जाना है। उसके बाद आपको एक लाइन बनानी है और फिर गोला बना देना है और फिर स्लीपिंग लाइन से आपको इसको जो ऐड कर देना है। ये बन गया आपका खा। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले आपको ऐसे हाफ सर्कल, फिर आपको इसे घुमा के नीचे लाना है, ले जाता है ऐसे पीछे तक तरफ ले जाना है, फिर एक स्टैंडिंग लाइन खींचना है, गोला बनाना है और स्लीपिंग लाइन बना देना है। बन गया ख। तो ये हो गए क और ख। आपको ये एक दो तीन लाइन में क लिखना है, इधर एक दो तीन लाइन में ख लिखना है, ठीक है, और एक लाइन में तीन बार ही लिखना है। चलिए बाकी के व्यंजन हम इसी वीडियो के अगले पार्ट में कर लेते हैं। गुड डे।